हेलो एवरीवन, पूजा हियर फ्रॉम इजी वास्तु। एंड आज के वीडियो रिगार्डिंग कैसा रहेगा आपका करियर लाइफ इन जनरल, आपके लिए क्या गाइडेंस है फॉर द मे मंथ 2021 कैसा रहेगा आपके लिए। सो यू नो, सबसे पहली चीज़, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो हिट द बेल आइकन ताकि जो भी मैं न्यू वीडियोज पोस्ट करूँ आपको उसकी जल्द से जल्द सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही साथ अगर आप इन डेली टैरो रीडिंग, वास्तु टिप्स, फेंग शुई टिप्स जानना चाहते हैं रिगार्डिंग करियर, लव लाइफ एंड हेल्थ, सो आप डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पर, जहाँ पर मैं नो टैरो रीडिंग्स एंड टिप्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। एंड यू नो, सभी पूछते हैं कि हम इस रीडिंग को कैसे फॉलो करें, क्या बेस हम रखें। सो आप चाहे अपनी नाम की राशि से, सन साइन, मून साइन, किसी के भी बेसिस से फॉलो कर सकते हैं। टैरो कार्ड्स में हमेशा कहते हैं कि जो राशि से आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट होते हैं आप उसके अकॉर्डिंग उसे फॉलो करें, सो आपके लिए बहुत ही अच्छा एंड आपको करेक्ट रीडिंग्स मिलती हैं। सो आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट होते हैं। तो चलिए इसके बाद में आपकी रीडिंग स्टार्ट हो जाएंगी। हेलो कैंसर्स, सो यहाँ पर हम वन बाय वन जानेंगे क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स यू नो फॉर योर करियर, मनी एंड इन जनरल क्या गाइडेंस है आपके लिए। सो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे जो आपके लिए कार्ड आया था, थ्री ऑफ कप्स के कार्ड है, जो कि ऑफकोर्स बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ये कार्ड कहीं ना कहीं आपके लिए नो सक्सेस, ग्रोथ, सेलिब्रेशन, प्रमोशन, स्टेबिलिटी, अगर जॉब के लिए देख रहे हैं तो अच्छी खबर है कि नो इस मंथ में जॉब, बिजनेस, स्टार्टअप, कोई भी चीज़ जो आपके काम में को खुशी दे, कुछ सेलिब्रेशन का मौका बने आपकी लाइफ में, तो उसकी एनर्जीज बहुत ही अच्छी दिख रही हैं फॉर दिस मंथ में। सो कार्ड्स तो ऑफकोर्स जो आपका सबसे पहला कार्ड ये वो ये कहता है भाई कोई अच्छी खबर आ सकती है, कोई अनाउंसमेंट हो सकती है आपके करियर में, या आप समझ लीजिए जो भी आपकी रूटीन होगी, जो भी आपकी प्लानिंग होगी, वो आप इस मे मंथ में काफ़ी अच्छे से उसको कंप्लीट कर पाएंगे। कुछ नए कॉन्टैक्ट्स, नए दोस्त, नए काम के नो सोशल कॉन्टैक्ट्स भी आपके बन सकते हैं जो आने वाले वक्त के लिए आपके लिए बेनिफिशियल माने जाएँ। तो इस मंथ में अपने दोस्त, आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स, आपके काम में जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ अच्छी आप निभा कर और बना कर रखें, सो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। सो कहीं ना कहीं मुझे आपके लिए ना, अगर पार्टनरशिप में भी काम करना चाहते हो सो बहुत अच्छी बात है। सो ऑल ओवर एक बहुत ही अच्छी वाइब दिख रही है पहली चीज़ तो मे मंथ के लिए। आई सी सम पॉजिटिविटी, एब्सोल्युटली अ वेरी गुड कार्ड। आगे अगर हम बढ़ते हैं कैंसर, सो यहाँ पे आए हैं द 11th हाउस के कार्ड्स हैं, जो ऑफकोर्स ये इंडिकेट करता है भैया पैसा, इंक्रीमेंट एंड समथिंग गुड न्यूज़। तो अभी तक तो हमारे सारे कार्ड सेम फ्लो में चल रहे हैं, जहाँ पर हम कहते हैं कि यहाँ पर ना अगर आप देखें तो लड़की एक विश मांग रही है कि बस मेरी ये विश पूरी हो जाए। यू नो यहाँ पे ऐसे बेड पे बैठ के सामने सितारे को देखकर विश मांग रही है कि बस मेरी ये विश पूरी हो जाए, सो आई बी रियली हैप्पी एंड मेरी बस वो एक इच्छा पूरी हो जाए। चाहे नो आपका, चाहे वो कोई पढ़ाई में ड्रीम है, अब आप कोई पढ़ाई कर रहे हो, एजुकेशन कर रहे हो, आपकी स्टडीज़ हैं, जैसी भी सिचुएशन हो, लेकिन उस सिचुएशन में आपको सक्सेस मिल जाए तो ऑफकोर्स पर्सन खुश हो जाता है। तो आप जो भी फील्ड में, डजेंट मैटर, बट आपके जो भी सपने हैं, आपके जो भी ड्रीम्स हैं, वो मुझे लग रहा है कि इस मंथ में फुलफ़िल होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। यू नो कि जहाँ पर आपकी इच्छा ऊपर वाला अगर सुने तो वो काम बन जाते हैं। सो ये कार्ड पे ना कहीं फ्रेंड्स गेट टुगेदर का भी है, कोई कॉन्टैक्ट्स का भी है, सोशल कॉन्टैक्ट का भी है, तो दोनों ही कार्ड अभी तक हमारे यू नो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे हैं कि आपके कॉन्टैक्ट्स, आपकी अच्छी दोस्ती, आपका गुड विल, जैसे हम कहते हैं ना अगर हम स्टार्टिंग से इंसान अच्छे रहे हैं, हमारी सबसे अच्छी बनती है, या चलो नहीं भी बनती है, बट कोई खास आपका एक आपकी आके मदद कर सकता है। सो इस मंथ में ध्यान दीजिएगा सबसे आप अच्छी बनाकर रखें, कॉन्टैक्ट्स अच्छे रखें, किसी से अननेसेसरी आप इन्वॉल्वमेंट में ना पड़ें, तो वो चीज़ सजेस्टेड नहीं। बट अदरवाइज इनकम गेन, प्रमोशन, बेनिफिट्स, हाई पोजिशन, अगर आप कोई पोजिशन चेंज करना चाहते हो, अपग्रेड करना चाहते हो अपने काम को, तो ये वीक अभी तक बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है, सॉरी ये मंथ बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है। एंड आगे आपकी मार्स की एनर्जीज आए हैं, सो ये मंथ में ना आप तो एकदम डटे ही रहने वाले हो, खूब हार्डवर्क करोगे, खूब मेहनत करोगे, फिजिकल एनर्जी, मेंटल एनर्जी, गोल, फोकस, एवरीथिंग प्रिसाइज रहेगा इस मे मंथ में आपके लिए कि भैया ये चीज़ मुझे लाइफ में हासिल करनी है तो करनी है, चाहे वो मैनिफेस्टेशन हो, आपकी मेहनत हो, हार्डवर्क हो, जो आपके बस में होगा आप सब करोगे, लेकिन आपने वो गोल को अचीव करना है, आपकी एनर्जीज दिखती हैं। सो नहीं, यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है कि आप ज़रूर अपनी ड्रीम्स को फॉलो करें, चाहे लोग आपकी सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बट आपने अपनी यू नो गोल को बनाए रखना है, अपने इनर पैशन को, काम को लेकर, आपके सपने को लेकर ज़रूर आप हार्डवर्क करो, मेहनत करो, तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं।
एंड उसके बाद मैंने सो मार्स शोज कि आपका पूरा सपोर्ट, आपका विल पावर आपको बहुत सपोर्ट करेगा, आपका इंट्यूशन आपको बहुत सपोर्ट करेगा, दैट्स अ गुड थिंग. कहते हैं ना, जब तक हमारे अंदर वो फायर है कुछ अचीव करने की, कुछ करने की, तो ऊपर वाला भी ज़रूर कहीं ना कहीं मदद करता है और हमारे रास्ते खोलता है. तो आपकी एनर्जी पूरे मई मंथ में ऐसी रहेगी कि भाई कुछ करना है लाइफ में, जाना है, एंड बहुत अच्छे से आपके जो भी कर्म है, मेहनत है, पूरी अच्छे से करोगे. सो मार्स इन 11th हाउस वेरी ग्रेट एनर्जी. आगे अगर हम देखते हैं, सो यहाँ पे जो आपके लिए कार्ड्स हैं, तो बेयर के कार्ड्स आए हैं. ये कार्ड ऑफ कोर्स वापस से मैं रिपीट कर दूँ, बिकॉज सारे कार्ड्स मुझे सेम इंडिकेशन दे रहे हैं. ये कार्ड भी इंडिकेट करता है पहली चीज़ तो एक पावरफुल पोजीशन, एक स्टेबिलिटी. या तो देखिए, जिनके काम अब ऑलरेडी नॉर्मल चल रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी अच्छी पोजिशन पर, और उनको डर है कि भैया कोई अभी जैसा माहौल चल रहा है कोविड वगैरह का, कहीं मेरा काम तो नहीं बिगड़ जाएगा, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, तो मैं कहूँगी जिनके काम ऑलरेडी स्मूथ चल रहे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं, मे मंथ आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है, एंड आगे आपके काम में और स्टेबिलिटी आएगी. अब जिनों की लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, कुछ स्टेबिलिटी देख रहे हैं, तो ये मंथ में मेरे को अच्छी स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, बेनिफिट्स आते हुए दिख रहे हैं. सो इट्स अ ग्रेट एनर्जी. एक और चीज़ का ध्यान दीजिएगा, इस मंथ में अगर कोई आपको लग रहा है आपको ओवर पावर कर रहा है, आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, आपका काम ले रहा है, ऐसा कुछ है, तो ज़रूर उन लोगों से आप कॉशियस रहें, आप अपना स्टैंड लें. लाइक मार्स यहाँ पर अगर आप देखें, सो यू नो ये पर्सन अपना तीर कमान लेके खड़ा है, अटैक करने को रेडी है, तो बिल्कुल भी आपने अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, आपने बिल्कुल अपना स्टैंड लेना है, लड़ना है आगे, एकदम कॉन्फिडेंट होके चलना है. तो जो आपकी चीज़ है, जो आपकी मेहनत है, जो आप डिज़र्व करते हो, उसके लिए बोलिए, कहिए, तो ज़रूर आपको मिलेगी. बट अदरवाइज ये दिस कार्ड एंड सारे ही कार्ड्स इनफैक्ट मैं कहूँगी, एक डिटर्मिनेशन, कॉन्फिडेंस, पोजिशन, गुड न्यूज़, पॉजिटिव मंथ आपके लिए दिख रहा है मुझे करियर वाइज. कैंसर, इट्स अ ग्रेट ग्रेट एनर्जी आई सी फॉर यू. सो नो आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए. पर सारे कार्ड्स की एनर्जी सेम चीज़ इंडिकेट्स करी एज आई सेड ऑलरेडी. सो येस, दिस इज़ वॉट आई सी फॉर यू. चाहे आपकी पढ़ाई हो, जॉब हो, बिजनेस हो, मनी हो, फाइनेंसेस हो, सबकी बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है इस मंथ में, सब में सक्सेस आती हुई दिख रही है. बाकी ऊपर वाले की मर्जी से कितने लोग कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाते हैं. इट्स अ ग्रेट ग्रेट एनर्जी आई एम सीइंग फॉर यू गाइज. सो येस, थैंक यू सो मच.